आज जंगल की रानी एक बच्चे को जन्म देती है और एक बंदर उसे जंगल के सभी जानवरों को ऊपर से दिखाकर बोलता है कि आने वाले समय में यही हमारा राजा बनेगा, जिसका नाम आज से सिम्बा रखा जाता है। जंगल के सभी जानवर खुश है, लेकिन राजा का भाई खुश नहीं है। स्कार इसलिए खुश नहीं होता क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहता था। अब उसके पिता और सिम्बा एक पहाड़ पर बैठे थे, तभी उसके पिता उससे बताते हैं कि सिम्बा जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है वो सब हमारा ही साम्राज्य है और आने वाले समय में तुम ही इस साम्राज्य के रक्षक बनोगे। सिम्बा अपने पिता से कहता है जब मैं राजा बनूंगा तो दूर उस पहाड़ी पर जाना चाहता हूँ, जिस पर राजा मना करते हैं कि तुम कभी भी उस पहाड़ी पर नहीं जाओगे। सिम्बा कहता है कि राजा तो कहीं भी जा सकता है, जिस पर उसके पिता कहते हैं ऐसा सब कहानियों में बोलते हैं। फिर वो दोनों बाह से चले जाते हैं, लेकिन सिम्बा जब अपने चाचा के पास जाता है तो उसके चाचा बताते हैं कि उस काली पहाड़ी पर सिर्फ बड़े लोग ही जाते हैं। वो सिर्फ सिम्बा को मारना चाहता है, लेकिन सिम्बा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब वो अपने दोस्त के साथ काली पहाड़ी पहुँच जाता है, जहाँ पर भूखे लकड़बग्घे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसके चाचा ने जानबूझकर उसे मौत के मुंह में भेजा था। लकड़बग्घे उन पर हमला करते उससे पहले वहाँ पर राजा आ जाता है, जिसे देखकर सभी लकड़बग्घे भाग जाते हैं। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें।